फैमिली का है, और फिर कोच मेरी जो टीम है, और फिर जब सभी की प्रे है साथ में, तो सभी का साथ ही है मतलब, और बाकी तो मेहनत कर रहे हैं, तो बिल्कुल सभी का ही साथ मान लो कि इसमें सारा कुछ, और भगवान का ऊपर वाले का हाथ है कि इंजरी से बचे हुए हैं और मैं खेल पाता हूँ फिट होके हर कंपटीशन, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नीरज, आपने जब गोल्ड जीता कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा जी, हमेशा ही अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करके और अपनी कंट्री के लिए मेडल जीत के बहुत अच्छा लगता है। सर, चीन की चालबाजी के शिकार हुए आप, लेकिन उसके बावजूद गोल्ड मेडल जीता, क्या कहना सर? नहीं बढ़िया जी, वही जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट और सेकंड दोनों गोल्ड सिल्वर इंडिया का था, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा कि दोनों हम पोडियम पे खड़े थे, इंडियन थे, तो वो चीज़ तो मतलब मजा ही आ गया वो चीज़ देख के। जो थ्रो पैगा कुछ लगा था कि हमें भी लगा कि ये 90 के करीब है, वो कुछ आपको भी डाउट हुआ था वहां पर? 88+ था वो थ्रो, तो वही ऐसा लग रहा था कि 88+ है, 90 तो नहीं था, 88+ था वो जी। नीरज, दो वाक्य ऐसे हुए जब लोगों ने आपको बहुत सराहा। एक बार एक विदेशी महिला ने आपका ऑटोग्राफ तिरंगे पर लेना चाहा तो आपने मना किया, दूसरी बार तिरंगा गिरते गिरते आपने उसको थामा, तो देशवासियों ने बहुत सराहा, क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक जब हम देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा सबसे पहला यही काम होता है कि हम किस तरीके से अपनी कंट्री को लोगों के सामने अच्छे से रख सकते हैं, कि अच्छे से हम अपने आप को रिप्रेजेंट करें, और बिल्कुल हम फ्लैग के लिए खेलते हैं तो फ्लैग के लिए तो बिल्कुल हमेशा ही उसकी रिस्पेक्ट हमारे दिल में होती है, और हमारे राष्ट्रगान की रिस्पेक्ट है, तो बिल्कुल उनके लिए, उसके लिए तो हमेशा हम ऐसे ही जोश में रहेंगे। जब भी आप मैदान में भाला फेंकने जाते हैं, क्या सोचते जाते हैं कि इस बार गोल्ड आएगा, क्या मन में क्या रहता है? बस ये मन में रहता है कि इस बार मैदान में उतर रहे हैं तो अपना 100% पूरा जोर लगाना है, और वही हमेशा वही फोकस रहता है, बाकी मेडल कोई भी जो भी आता है वो उसी दिन डिसाइड होता है। युवा हम लोग, आपके जो शुरुआती के थ्रो थे वो 70 से लेके 85 तक थे, लेकिन उस बीच किशोर ने 87 का थ्रो किया, तो क्या उस बीच आपको लगा था कि आप उनको क्रॉस कर पाएंगे कि या जीना, मतलब उस तरह की कोई विचार मन में आए थे? थ्रो मेरे 80 मीटर से ऊपर ही थे सारे, 70 मीटर का तो नहीं था शायद से, आप पता नहीं एथलेटिक्स को उतने अच्छे तरीके से कैसे फॉलो करते हैं, लेकिन हाँ 80 से ऊपर थे सभी, तो बिल्कुल अच्छा लगा था। जेना ने जब थ्रो किया तो बहुत ही मज़ा आया कि हम किस तरीके से जेवलिन में डोमिनेट कर रहे हैं, और मैं जेना के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेला था और एशियन गेम्स भी, तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती है, बस वही था बिल्कुल मेरे मन में भी कि मुझे भी अच्छा थ्रो करना है, और काफ़ी अच्छा थ्रो हुआ, जो पूरा सीजन का बेस्ट थ्रो था वो 88.88, तो वो बहुत अच्छा था कि हम दोनों एक ही फ्लैग पे पूरे ग्राउंड का हमने एक चक्कर लगाया फिर इंडियन फ्लैग के साथ, और जेना के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश था। देश की धरती पर पहुंचे, कितने भव्य स्वागत की आपको उम्मीद थी? बिल्कुल अच्छा लगता है हमेशा ही जब कोई अच्छा मेडल जीत के आते हैं, तो हम काफ़ी एथलीट्स थे जो एक ही फ्लाइट में आए थे, और बाहर काफ़ी जो साई से या फेडरेशन और टोप्स के जो, और हमारी जो, मैं जैसे राजरीव से हूँ तो हमारी सेंटर के लोग भी वहाँ पे थे आर्मी से, तो बहुत अच्छा स्वागत किया सभी एथलीट्स का, और हमेशा अच्छा लगता है अपनी धरती पे आके। नीरज, शुरुआती दौर में जब आप स्पोर्ट्स में आए तो बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे गेम्स थे, जेवलिन को चुनना कुछ विशेष रहा कुछ? नहीं जी, बस ऐसे ही रैंडम स्टार्ट हुआ था, ऐसा कोई बिल्कुल कोई प्लान नहीं था इसके लिए, शायद से डेस्टिनी में था, ऊपर वाले ने शायद एक प्लान किया था, तो वैसे ही बस ऐसे ही स्टार्ट किया था कि मुझे ये स्पोर्ट्स करना है, बस हाँ जो मेहनत और जो लगन थी वो दिल से थी, और उसी चीज़ को आज मैं आज तक लेके चल रहा हूँ, शायद उसी चीज़ ने हेल्प क्या किया। लगता है कि जेवलिन का जो निर्णय आपने किया था, जेवलिन गेम को चुनने का, वो उस निर्णय के बारे में क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है जी, अच्छा रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है ना, तो बिल्कुल तो अच्छा ही है, मुझे अच्छा ही लग रहा है, मेडल आ रहे हैं तो अच्छा ही रहा। छोटी सी उम्र में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि जेवलिन थ्रो एक इतना पॉपुलर गेम हो जाएगा आपकी वजह से, तो उन युवाओं को, खिलाड़ियों को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह के गेम खेल रहे हैं, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप लोग अपना जो भी काम करते हो पूरे पैशन से करो, पूरा हार्ड वर्क करो, और बिल्कुल मुझे लगता है कि हार्ड वर्क और जो पैशन से जो आप काम करते हो दिल से, उसका फल जरूर मिलता है, भले ही कुछ साल लग जाते हैं पर हमारे यहाँ पे पेशेंस नहीं होता, उनको जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए, मैं ये बोलना चाहूँगी पेशेंस के साथ मेहनत करते रहो, 2-4 साल लग जाएंगे लेकिन बिल्कुल उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। आगे की क्या तैयारी रहेगी अब? आगे जी अभी अगले साल पेरिस ओलंपिक्स हैं, तो बिल्कुल अभी थोड़े दिन बाद फिर अपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे उसके लिए। तो गांव की तस्वीर पहले से बेहतर है, लेकिन और क्या उम्मीद करते हैं गांव में, और की क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए खिलाड़ियों के लिए? गांव में
गांव में जी काफ़ी बच्चे हैं जो अभी स्पोर्ट्स को फॉलो करने लगे, और काफ़ी बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स के जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेज रहे हैं, और वही कोशिश है कि जितना ज़्यादा उसके हम हरियाणा गवर्नमेंट से भी और जो जो भी लोग पावर में हैं उनसे बोलते हैं कि जितने ज़्यादा स्टेडियम हो सकें, ना केवल मैं अपने गांव की बात करूँगा बल्कि पूरे इंडिया में जितने ज़्यादा स्टेडियम हो सके छोटी जगह पे, क्योंकि वहाँ के बच्चे बड़े स्टेडियम्स में जा नहीं सकते या बड़े शहरों में उन पर जा नहीं जा सकता क्योंकि उनके पास उतने संसाधन नहीं होते। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेडियम्स होने चाहिए और बच्चों के पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जिससे वो अपना जो ड्रीम एक बनाते हैं स्पोर्ट्स का तो वो पूरा हो सके। मेडल लेकर आए अच्छी बात है, लेकिन परिवार से दूरी रहती है लंबी। देखो जो कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो चीज़ कई बार वो ऐसा एग्जांपल देना ठीक लगता है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं और वो शायद से मैं घर पे रह के प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो ये थोड़ा सा थोड़ा बहुत छोटे मोटे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तो अभी तो आदत हो गई है क्योंकि बहुत पहले मैं घर से निकला था, तो अब तो पता है कि नहीं अब तो बाहर ही रहना है और इधर से ही ट्रेनिंग करके यहाँ पे खेल के कुछ अच्छा करना है। आपका गेम में ताकत भी बहुत ज़रूरी है जी, जब आप थ्रो करते हैं। आपकी माताजी का बयान भी काफ़ी फेमस हुआ कि भाई इंडिया का खाना बहुत अच्छा है जी, दूध दही का है, तो ताकत क्या मानते हैं अगर पूछे तो आप हरियाणा से हो? नहीं बिल्कुल जी, हरियाणा का खाना है अपना दूध दही है, और बाकी जो बाकी अनाज भी है वो अपने घर का होता है, सब्जियाँ हैं वो भी खेत से होती हैं, तो ये काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि घर वाले भी ऐसे बोलते हैं खाना खिलाने के लिए कि भाई खाओ और ज़्यादा खाओ, तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी है यहाँ पे कि फोर्स करते हैं खिलाने के लिए, और फिर मेहनत तो है ही, अपने यहाँ के लोग मेहनती बहुत ज़्यादा हैं। सर हर बार आप मेडल जीत के आते हैं, सबसे बड़े देश के सबसे और विश्व सबसे ताकतवर आदमी आप प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं जी, तो क्या आपको कहते हैं मिलने के बाद, क्या आपको प्रेरणा देते हैं? वो तो काफ़ी सभी एथलीट से मिलते हैं और स्पोर्ट्स को काफ़ी फॉलो करते हैं मोदी जी भी, और हमेशा वो यही बात बोलते हैं कि आप कभी भी इधर से प्रेशर मत लो कंट्री का और अपना बेस्ट खेलो, और मतलब वही बताते हैं कि आप मेडल जीतो ना जीतो आप कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करो, आप हमेशा हमारे लिए बेस्ट हो, तो काफ़ी मोटिवेट करते हैं सभी को और सभी के साथ मजाक भी करते हैं और अच्छा लगता है सभी। एक दो दिन में आपकी मुलाकात होने जा रही है प्रधानमंत्री जी, जी तो कुछ खास नहीं, सिर्फ मेरी नहीं शायद से सभी एथलीट्स के साथ मुलाकात होगी, और उसमें जितना भी टाइम मुझे मिलेगा तो मैं वही जो भी स्पोर्ट्स के बारे में बातें होंगी वो हम करेंगे। लोगों को इस बार उम्मीद है कि पेरिस में फिर एक बार गोल्ड मेडल आएगा, क्या कहना? पेरिस के लिए तो अभी टाइम है जी, और उसके लिए अभी तैयारी करेंगे। हिंदुस्तान के लोग उम्मीद ज़्यादा कर लेते हैं। नहीं चलो उम्मीद है और उम्मीद जरूरी भी है, तो मैं अपनी तरफ से मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि उम्मीदों भी खड़े उतरे। पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम एशियन गेम का हिस्सा नहीं बन पाए, क्या उनको मिस किया ग्राउंड पे रहते थे साथ दिखते थे? इंजरी हाँ मिले थे, लेकिन इंजरी है, इंजरी किसी को भी हो सकती है। मैंने पिछली बार कॉमनवेल्थ गेम्स मिस किए थे इंजरी की वजह से, तो वही है एथलीट की लाइफ में इंजरी एक हिस्सा है, तो ये होती रहती है, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि बढ़िया से अपना हिट हो और फिर अपना पेरिस ओलंपिक्स में फिर मिलेंगे। एशियन गेम्स में काफ़ी मेडल्स आए हैं आपके पास, 100 के पार कर चुके हैं, आप 3 गोल्ड मेडल अब तक आ चुके हैं, कैसे देखते हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है जी कि एक सोचा था इस बार कि 100 से ऊपर मेडल जीतने हैं और वो फाइनली पॉसिबल हो पाया है, तो काफ़ी मुश्किल था वैसे तो, लेकिन एथलीट्स ने इतनी मेहनत कर रखी थी, उनके पीछे के जो स्पोर्टिंग स्टाफ कोच फिजियो या मैश्योर या जो भी सपोर्ट थी पीछे से, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और उन्होंने बड़ा ही अच्छा परफॉर्म किया है, तो ये बहुत अच्छा लगा। इससे मुझे लग रहा है कि हमारी परफॉर्मेंस पेरिस में भी बहुत बढ़िया रही। आप अपने खेल से संतुष्ट हैं? जो अभी तक आपने किया जो मेडल जीत, खेल से लाइफ से आपको संतुष्ट रहना ही चाहिए, क्योंकि दुखी रह के भी क्या ही कर लोगे, तो बिल्कुल खेल से बिल्कुल संतुष्ट हैं, और मैं तो बल्कि संतुष्ट नहीं हूँ, मैं तो शुक्रिया करता हूँ कि जो सपने देखते हैं काफ़ी खिलाड़ी या मेरे भी सपने थे वो मैं पूरे कर पाया, तो मैं तो संतुष्ट से भी ऊपर हूँ। सर आप 2 दिन गांव में रहेंगे, क्या बचपन में आप घूमते थे, क्या कुछ मिस करते हैं? 2 दिन में क्या करने वाले हैं? दो दिन में जी कुछ नहीं, घर के साथ या जो भी हमारे बुजुर्ग हैं या जो बड़े लोग हैं हम जो बैठते हैं या जितने भी गांव के लोग हैं उनसे मिलेंगे जिनसे मिल सकते हैं, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फैमिली के साथ बिताएं, क्योंकि